हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11 ए, जिसमें हम देखेंगे आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11 ए का क्वेश्चन नंबर आठ से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आपकी क्लियर हो जाए, कब, जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद। तो वीडियो देखने के बाद जब आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी तो उस बेस पर जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगी, इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11 ए का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चंस को पहले आप ध्यान से समझेंगे। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, एक आगे बोला जा रहा सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक बैलून है जिसमें से उसका जो एयर है उसको पंप करके इनफ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक पर सेंटीमीटर गैस पर सेकंड निकाला जाता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ विच रेडियस, ठीक है, उसका रेट निकालना है कि किस रेट से उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस कितना हो 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो बैलून है आपका, ये और जो इंक्रीज कर रहा है उसको भी हम बना ले रहे हैं। ये इसका रेडियस, इसको आर कर लेते हैं, और इंक्रीज जो कर रहा है उसका रेडियस आपके पास कितना है 15 सेंटीमीटर है। ये कितना है 15 सेंटीमीटर। तो जो इंक्रीज कर रहा है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं ऐसे, अब यहां पे आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीन इन्फ्लेटेड पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी जो उसको पंप किया जा रहा है उस पंप का आपको जो वॉल्यूम है उसको दिया हुआ है, और वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, आप याद करें वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे भी डी वी बाई डी आर डी टी इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और बोला जा रहा है आपको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द रेट ऑफ विच रेडियस, आपको उसका रेडियस का रेट फाइंड करना है कि कितना से इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। यानी डी आर बाई डी टी आपको फाइंड करना है कब, एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर इक्वल टू व्हाट, यहां तक ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को वी लिखेंगे, यानी वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड दोनों तरफ जब आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई, जो 4/3 पाई है ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी आर क्यू बाई डी टी,
ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3 पाई, और इसको चेन रूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक बार डी आर क्यू बाई डी आर, और फिर एक बार डी आर हो जाएगा ना डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई, और ये आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, एन वाला फार्मूला, यानी ये आपके पास हो जाएगा 3r 3 - 1 और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पे डी वी बाई डी टी जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डी आर बाई डी टी हमको फाइंड करना है, आपके पास क्या दिया हुआ डी वी बाई डी टी कितना है 900, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 900, फिर यहाँ पे देखें इक्वल टू ये 3 3 तो पहले आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 4 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, चूँकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास हो जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी इक्वल टू, ये सारा क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखा तो डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि 900 मल्टीप्लाई यहाँ पे 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद डी आर बाई डी टी कितना पे निकालना था एट आर इक्वल टू, या फिर ऐसा करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 बाई 4 इंटू 3.14 आर स्क्वायर। तो यहाँ तक पहले एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर अगले स्लाइड में इसको देखेंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में गिवन है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो क्यूबिक पर सेकेंड है यानी वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो वॉल्यूम क्या होता है डी वी बाई डी टी इक्वल टू 900 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब आपसे बोला जा रहा फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपका इसका रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है वो निकालना है जब रेडियस उसका क्या हो 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर वाट। अब यहाँ पे वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ बैलून इक्वल टू कितना होता है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम को हम भी लिखते हैं 4/3 πr³ लिख दिए। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब हम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें कितना हो जाएगा वी का डी वी बाई डी टी और डी बाई डी टी एक बार पूरा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे 4/3 π जो है ये आपका कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी टी आर क्यू बच जाएगा। अब आर क्यू को क्या करेंगे, इसको हम चेन रूल के अनुसार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी 4/3 π एक बार डी आर क्यू बाई डी आर और डी आर बाई डी टी, यानी डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 π, और यहाँ पे n के अनुसार r 3 है, r के पावर 3, तो 3r 3 - 1 हो जाएगा 3r 3 - 1 डी आर बाई डी टी। अब 3 3 यहाँ से कट गया तो बचेगा क्या 4 dv/dt, और डी वी बाई डी टी आप देखें दिया हुआ आपके क्वेश्चन में मेंशन है डी वी बाई डी टी 900 है, तो यहाँ पे लिख दिया 900 इक्वल टू यहाँ पे 4 πr² बच जाएगा, तो 4 πr² डी आर बाई डी टी। अब हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल टू 15 पे, तो पहले डी आर बाई डी टी को इस तरफ कर लिए, तो इस तरफ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड में, यानी 900/4 πr² डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 यहाँ पे हो जाएगा ना 900 बाई 4 और पाई का वैल्यू 3.14 r², तो पहले इतने पार्ट तक आप नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे यानी डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900/4 × 3.14 r² आया था। अब इसके बाद क्या करेंगे डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल टू 15 पे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900/4 × 3.14 × r² आर के जब क्या रखना हमें 15 रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 900/4 × 3.14 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर देख लें 225 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 225। अब इसके बाद क्या करेंगे,
तो इसके बाद 225 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 900 बाई 900। 225 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 को 4 से कराएंगे तो 800, और 25 को 4 से कराएंगे तो 100, यानी 900 हो जाएगा इंटू 3.14। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, यानी 1 बाई 3.14। और जब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो ये आपका 0.32 आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक आपका ये जो आपका आंसर हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देखे थे dr/dt इक्वल टू 900/4 × 3.14 r², ठीक है। इसके बाद क्या किए हैं, dr/dt एट r इक्वल टू 15 पे निकाले हैं। तो 900 × 4 × 3.14 × 15, यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 225 होगा, और 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, यानी 900 आपका कैंसिल, बचा क्या 3.14, यानी 1 बाई 3.14। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।